जनपद के एसपी अभिषेक वर्मा अपनी संवेदनशीलता के लिए चर्चा में हैं। यूपी के औरैया जिले के एसपी अभिषेक वर्मा अपनी संवेदनशीलता के लिए चर्चा में हैं। दरअसल बीते मंगलवार को आयाना स्थित गांव रोशनपुर में एक खेत पर लगी आग के लपटों ने कई बीघा गेहूं की फसल को चपेट में ले लिया था। इस घटना से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी अभिषेक वर्मा खुद राहत कार्य में जुट गए। एसपी वर्मा ने आग की जड़ से बचाने के लिए गेहूं की गठरों को खुद खींचा। सोशल मीडिया पर एसपी अभिषेक वर्मा का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में सत्येंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से वार्ता की। दरअसल आयाना स्थित गांव रोशनपुर के अलावा चार गांव में तकरीबन 150 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। यहां पर गेहूं के गठरों को बचाने के लिए एसपी अभिषेक वर्मा खुद की चिंता न करते हुए ग्रामीणों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुट गए। एक तरफ आग की लपटें बढ़ रही और दूसरी ओर एसपी अभिषेक वर्मा ग्रामीणों के साथ गठरों को सुरक्षित करने में जुटे थे। इस मामले को भारतीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारी भी एसपी साहब के दफ्तर पहुंचे। यहां सार मोहम्मद, जिला अध्यक्ष प्रासु, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंहाल और जिला सचिव सत्येंद्र यादव, जिला महासचिव उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवकांत शर्मा। हुई थी उसमें आपने अपनी जान पे जोखिम में डाल के जो किसानों के गट्ठे वट्टे फेंके, सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन घटना का वीडियो है वो थाना आयाना का है, जिसमें गांव में कुछ खेतों में आग लगी थी और जो आग थी वो एक खेत के पास